नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। आज देश के हर राज्य में बाबा साहब अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है और इसी बीच अलीगढ़ के थाना देहली गेट क्षेत्र अंतर्गत चरखनवाला चौराहे पर पहली बार खटीक समाज के लोगों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती को धूमधाम के साथ मनाया। बताया कि विश्व के सबसे बड़े ज्ञानी और महापुरुष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से हम बने हैं। आज खटीक समाज के सैकड़ों लोगों ने मिलकर 14 अप्रैल पर बाबा साहब की जयंती मनाई, उन्हें शत-शत प्रणाम किया। इस मौके पर पुलिस के कई आला अधिकारी मौजूद रहे। वही कार्यक्रम के आयोजक कमर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पहली बार हमारे खटीक समाज के लोगों ने बाबा साहब की पुण्यतिथि मनाई है। आज तक खटीक समाज के लोगों ने बाबा साहब की कोई भी पुण्यतिथि नहीं मनाई। जब भी कोई बाबा साहब का कार्यक्रम होता है तो खटीक समाज के लोग बोलते हैं कि ये तो जाटक समाज के लोगों का कार्यक्रम है, इसलिए हमने खटीक समाज के बैनर तले बाबा साहब की पुण्यतिथि मनाई है, क्योंकि बाबा साहब विश्व के सबसे बड़े ज्ञानी और भारत रत्न प्राप्त हैं। अगर आज बाबा साहब नहीं होते तो हो सकता था कि हम पर बहुत अत्याचार हो रहे होते। आज 14 अप्रैल पर किस तरीके का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है? तो पहली बार हमारे खटीक समाज में पहली बार मतलब बाबा साहब का पुण्यतिथि कराई गई है। मतलब आज तक कोई भी खटीक समाज ने किसी ने भी नहीं कराई आज तक। जो भी कुछ जगलता ये कहते हैं साहब ये तो जाटा समाज इनका वो प्रोग्राम है वो है। नहीं नहीं, मैंने इस बार हम खुद ही अपना छोटा मोटा रूम में एक पुण्यतिथि मतलब बाबा साहब की मनाई जाएगी। कितने लोग यहाँ पर रहे? कितने यहाँ तो कम से कम 100-125 जने थे। भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। बाबा साहब के अनमोल वचनों को आज सभी याद कर रहे हैं। बाबा साहब ने दलितों के लिए जो समानता की लड़ाई लड़ी उसे देश कैसे भूल सकता है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी अमेठी पहुंचकर बाबा साहब की 132वीं जयंती पर उन्हें नमन किया। साथ ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही आपको बता दें कि स्मृति ईरानी के साथ क्षेत्र के सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिसके बाद स्मृति ईरानी अमेठी से गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना हो गई, जहां पर स्मृति ईरानी क्षेत्र के वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात करती हुई नजर आई। आपको बता दें कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बाबा साहब के अनमोल वचनों को आज याद किया जा रहा है। बाबा साहब ने दलितों के लिए जो समानता की लड़ाई लड़ी थी उसे देश कैसे आखिर भूल सकता है। वहीं अगर बात की जाए तो इसी बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी पहुंची। यहां उन्होंने बाबा साहब की 132वीं जयंती पर उन्हें नमन किया। साथ ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। साथ ही आपको बता दें कि स्मृति ईरानी के साथ क्षेत्र के सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद थे। इसके अलावा स्मृति ईरानी अमेठी से गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र के रवाना हो गई, जहां पर स्मृति ईरानी क्षेत्र के वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात करती हुई भी नजर आई हैं। और अब खबर सहारनपुर से, जहां थाना रामपुर मनिहारन क्षेत्र में अवैध हथियार के साथ युवक का एक समारोह में डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि युवक नशे की हालत में है और अवैध हथियार के साथ समारोह में डांस कर रहा है। डांस करने के दौरान फायरिंग करता हुआ भी नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया। वायरल वीडियो थाना रामपुर मनिहारन क्षेत्र के गाँव का बताया जा रहा है। सूत्रों की माने तो युवक को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। तो सहारनपुर से वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि हर्ट फायरिंग को लेकर पूरी तरह से पुलिस प्रशासन सख्त है, उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं लगातार आम हो चुकी हैं। अब सहारनपुर के थाना रामपुर मनिहारन की हम बात करें तो यहां पर अवैध हथियार के साथ युवक का एक समारोह में डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि युवक की जो हालत थी वो नशे में थी और अवैध हथियार के साथ समारोह में वो डांस कर रहा था। डांस करने के दौरान उसने कई बार फायरिंग की है सोशल मीडिया पर, जो कि वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है। वायरल वीडियो थाना रामपुर मनिहारन क्षेत्र के गांव का बताया जा रहा है। साथ ही साथ युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ भी की जा रही है। वही अमेठी में सेना के जवान नामक भूमि को लेकर स्मृति ईरानी से मिलकर शिकायत दर्ज कराई गई है। मामला अमेठी तहसील के तारापुर कसारा गांव का है। सेना के जवान के नाम दर्ज भूमि पर कांग्रेस के किसान जिला अध्यक्ष अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए ये शिकायत की गई कि भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है। पीड़ित ने शिकायत करते हुए कहा कि जिले के आला अधिकारियों से कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है।
तो जमीन पर अवैध कब्जा करने का ये पूरा मामला है, अमेठी से पूरा मामला सामने आया है, जहां पर सेना के जवान के नाम भूमि को लेकर स्मृति ईरानी से मिलकर शिकायत दर्ज कराई गई है। पूरा मामला जो है वो अमेठी तहसील के तारापुर कसारा गांव का, सेना के जवान के नाम दर्ज भूमि पर कांग्रेस के किसान जिलाध्यक्ष अवैध रूप से कब्जा कर रहे थे, ऐसी शिकायत की गई है। साथ ही कांग्रेस के किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष पर यह आरोप लग रहा है कि शिकायत की गई है कि भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है। पीड़ित ने शिकायत करते हुए कहा कि जिले के आला अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लखीमपुर खीरी के फरथाना थाना क्षेत्र के गांव मनियोरा का ये पूरा मामला है, जहां शक के चलते पति ने अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से मारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी और इतना ही नहीं खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर थाने पहुंच गया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस ने मृतका की बेटी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि इन दोनों के बीच दोपहर का खाना बनाते समय विवाद हुआ था। पति के शक करने के स्वभाव की वजह से अक्सर विवाद होता रहता था। इसी विवाद के चलते 1.5 साल तक पत्नी मीरा मायके से नहीं आई थी। पति रोशन लाल की शिकायत पर पुलिस ने सुलह समझौता करा दिया। 1.5 महीने पहले ससुराल आई पत्नी पर पति का स्वभाव फिर भी नहीं बदला। वहीं मृतका के भाई के माने तो पति रोशन लाल 1 साल पहले भी शराब के नशे में अपने 1 साल के बेटे को गड्ढा खोद कर उसमें गाड़ दिया था। ग्रामीण की मदद से बच्चे को निकालकर उसकी जान बचाई गई थी, जिसकी शिकायत पुलिस को की गई थी, मगर पुलिस ने पारिवारिक विवाद बताकर कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। तो पूरा मामला निकल कर आ रहा है लखीमपुर खीरी से, जहां पर एक अनोखा मामला देखा गया है, जहां पर शक होने के चलते एक पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर थाने पहुंच गया। बता दें कि इस पूरे मामले पर पुलिस ने मृतका की बेटी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया भी जा रहा है कि खाना बनाने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। पति के शक करने के स्वभाव की वजह से अक्सर विवाद होता रहता था और इसी विवाद के चलते जो पत्नी है वो कई सालों तक अपने मायके में रह रही थी। अभी कुछ दिन पहले ही ससुराल आई और उसके बाद फिर से हंगामा हुआ। हंगामा होने के बाद पति ने पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। देश भर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हों या फिर सरकारी दफ्तर, सभी जगह पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है और उनको याद किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला चिकित्सालय गोरखपुर के प्रमुख अधीक्षक कक्ष में सभी डॉक्टर की उपस्थिति के दौरान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माला पहनाकर उनको नमन किया गया। वहीं दूसरी तरफ मदीना पार्टी के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता के नेतृत्व में MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह की उपस्थिति में सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में गोरखपुर के अम्बेडकर चौक पर स्थित बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर माला पहनाकर पुष्पांजलि दी गई। इस दौरान जैसे बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पूरे देश भर में पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के द्वारा सभी बूथों पर उनकी जयंती मनाई जा रही है। तो देश भर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। इसी कड़ी में गोरखपुर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आई हैं। दरअसल गोरखपुर चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक कक्ष में सभी डॉक्टरों की उपस्थिति के दौरान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के फोटो पर माल्यार्पण किया गया, उन्हें नमन किया गया, उन्हें याद किया गया। वहीं दूसरी तरफ मदीना पार्टी के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता के नेतृत्व में MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह की उपस्थिति में सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में गोरखपुर के अम्बेडकर चौक पर स्थित बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर माला पहनाकर पुष्पांजलि दी गई है। माननीय श्री डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का जन्मदिन जन्मोत्सव के संबंध में उनको हमने माल्यार्पण किया और उनकी दिए गए रास्तों पे चलने का हम लोगों ने प्रयत्न किया। जो सामाजिक समरसता का उन्होंने दिया है और हम लोगों ने उनको किया और सबसे पहले जो इनका हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी यही बात कहते हैं कि सबके लिए सब चीज़ बराबर होनी चाहिए, हम उस पर प्रयासरत हैं। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में बाबा साहब की जयंती को अपने वर्ष भर के 6 कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम मानकर करती है। आज पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने सभी बूथों पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती को मना रहे हैं। और अब खबर बदायूं से, जहां बिसौली कोतवाली क्षेत्र के दिसौलीगंज की पशुशाला में आग लगने से 2 भैंस आग में झुलस गई है। बताया जा रहा है कि आग लगने की वजह से हजारों का नुकसान हुआ है। आग लगते ही गांव वालों ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी।
पाठशाला में बच्चे भी मौजूद थे जिन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया गया है, जिसके साथ ही मौके पर पहुंची बिसौला पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल में जुट गई और आग लगने के कारण बताए जा रहे हैं। तो पूरा मामला जहां पर पशुशाला में भीषण आग लग गई है, हालांकि आग किस वजह से लगी है यह भी साफ नहीं हो पाया, लेकिन इस आग में झुलसकर दो भैंस की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि आग लगने की वजह से हजारों को नुकसान भी हुआ है। गांव वालों ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी। बताया भी जा रहा था कि पशुशाला में बच्चे भी मौजूद थे जिन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। महाराजगंज के घुगली थाना क्षेत्र के विष्णुपुर गांव में एक महिला की जलती हुई लाश पुआल के ढेर में मिली है, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं महिला की शव की पहचान की जा रही है। घटना की सूचना से क्षेत्र में सनसनी है। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी कि गांव के किनारे नहर पर पुआल के ढेर में एक महिला की लाश मिली है जो कि जल रही है। सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंची, घटनास्थल की घेराबंदी कर जांच शुरू की। घटनास्थल पर पुलिस के अधिकारी भी पहुंचे और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि घुगली क्षेत्र के विष्णुपुर गांव में नहर किनारे एक महिला का शव पुआल के ढेर में जल रहा था, जिसके बाद महिला के बारे में और घटना की जाँच पड़ताल की जा रही है कि महिला कौन है और ये हादसा है या फिर जानबूझकर महिला को जलाया गया। ये जनपद महाराजगंज अंतर्गत थाना घुगली में ग्राम बिशनपुर गबड़ुआ, यहाँ से पुलिस को सुबह लगभग 8:30 के आसपास गाँव वालों द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ पर जो पुआल का एक ढेर है उसमें जलते हुए कोई एक अर्ध जला शव जलते हुए अवस्था में। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर आकर उस अर्ध जले शव को जो है अपने कब्जे में लिया गया है। पोस्टमार्टम और DNA सैम्पलिंग हेतु भिजवाया गया है। शव की शिनाख्त करते हुए ये किसका शव है इसके बारे में जानकारी करने का प्रयास किया जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के मौके पर बुलंदशहर के कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां DM चंद्रप्रकाश सिंह ने अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर आयोजित गोष्ठी में DM ने संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा हमारे देश का संविधान लिखा गया है, जिसमें उनके द्वारा गरीब, असहाय और अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति के अधिकारों को ध्यान में रखकर संविधान में उन्हें अधिकार दिया गया। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, जिसमें संविधान के अनुसार गरीब से गरीब व्यक्ति को भी न्याय मिलता है। हमारे लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति भी मेहनत से देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। DM ने कलेक्ट्रेट के अधिकारियों कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान के अनुसार जो अधिकार हमें मिले हैं उनका उपयोग दूसरों की समस्याओं का निवारण करने को कहा है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती देश भर में मनाई जा रही है। बुलंदशहर की हम बात करें तो बुलंदशहर कलेक्टर सभागार में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां DM चंद्रप्रकाश सिंह ने अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया था और जिसको DM ने संबोधित किया। कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा हमारे देश का संविधान लिखा गया है, जिसमें उनके द्वारा गरीब, असहाय और अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति के अधिकारों को ध्यान में रखकर संविधान में उन्हें अधिकार दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक देश है, जिसमें संविधान के अनुसार गरीब से गरीब व्यक्ति को भी न्याय मिलता है। हमारे लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी न्याय मिले। और अब खबर रायबरेली से, जहां अग्निशमन दिवस के मौके पर अग्निशमन विभाग ने बाइक रैली निकालकर 14 अप्रैल 1944 मुंबई के एक बंदरगाह में शहीद हुए 66 अग्निशमन कर्मचारियों को श्रद्धांजलि दी है। फायर ब्रिगेड द्वारा निकाली गई बाइक रैली शहर के विभिन्न मार्गों पर घूमते हुए लोगों को आग से बचने के तरीकों के बारे में बताया गया और जागरूकता अभियान भी चलाया गया है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि अग्निशमन दिवस मुंबई के बंदरगाह पर 1944 में शहीद 66 अग्निशमन कर्मियों की शहादत के रूप में मनाया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, अग्निशमन अधिकारी यहां पर मौजूद थे। दरअसल ये पूरा जो खबर है वो रायबरेली से है, जहां अग्निशमन दिवस मनाया गया है और इस पूरे मौके पर अग्निशमन विभाग ने बाइक रैली निकाली है। दरअसल 14 अप्रैल के दिन ही 1944 में मुंबई के एक बंदरगाह में करीब 66 अग्निशमन कर्मचारी शहीद हो गए थे, जिन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। फायर ब्रिगेड द्वारा निकाली गई रैली शहर के विभिन्न मार्गों पर घूमते हुए लोगों को आग से बचने के तरीकों के बारे में बता रही थी और जागरूकता अभियान भी चलाया गया। वहीं मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि अग्निशमन दिवस मुंबई के बंदरगाह पर 1944 में शहीद 66 अग्निशमन कर्मियों की शहादत के रूप में मनाया जाता है।
सर आज अग्निशमन सप्ताह मनाया क्या है? आज 14 अप्रैल 1944 के दिन मुंबई बंदरगाह में भीषण अग्निकांड घटित हुआ था, जहां आग बुझाने के दौरान 66 अग्निशमन कर्मियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। तभी से प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन ये 14 अप्रैल अग्निशमन सेवा दिवस मनाया जाता है, जहां सर्वप्रथम जो जिन कर्मचारियों ने प्राणों की आहुति दी थी उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है तथा 2 मिनट का मौन धारण किया जाता है। उसके पश्चात 1 सप्ताह तक ये अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। पुलिस अधीक्षक रायबरेली महोदय के निर्देशानुसार इस साल अग्नि सुरक्षा सप्ताह के दौरान ये प्रचार प्रसार की आज जागरूकता रैली निकाली गई। आज पूरे देश में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। इसी बीच रायबरेली के बचत भवन में भी डीएम माला श्रीवास्तव सहित कर्मचारियों ने डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाई। डीएम माला श्रीवास्तव सहित कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों ने डॉक्टर अम्बेडकर के चित्र पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद डीएम ने कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाई और उनके जीवन पर प्रकाश डालती हुई भी नजर आई है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती धूमधाम के साथ देश भर में मनाई जा रही है, 132वीं जयंती है। इस बीच रायबरेली के बचत भवन में भी डीएम माला श्रीवास्तव पहुंची और कर्मचारियों ने डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाई। डीएम माला श्रीवास्तव सहित कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों ने डॉक्टर अम्बेडकर के चित्र पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद डीएम ने कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाई और उनके जीवन पर प्रकाश भी डाला है। बिल्कुल, आज अंबेडकर जयंती के अवसर पर हम लोग सब एकत्रित हुए हैं और बाबा साहब को हम लोग एक बार पुनः याद करके उनको नमन कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं और इस देश की संरचना में, संवैधानिक व्यवस्था में, सामाजिक और न्यायिक व्यवस्था में उनका जो बहुमूल्य योगदान रहा है उसको याद करते हुए हम लोग पुनः अपने आप को आमजन की सेवा में एक बार फिर अपने आप को समर्पित कर रहे हैं और यही हम लोगों ने सब लोगों के साथ मिलकर आग्रह किया है। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 16 अप्रैल को सीमांत जिले पिथौरागढ़ के गुंजी गांव में रात्रि प्रवास करेंगे। साथ ही प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री विकास योजनाओं का सर्वेक्षण भी करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव का ही ये परिणाम है कि एक के बाद एक केंद्रीय विकास योजनाओं की प्रगति देखने के लिए लगातार दौरा कर रहे हैं। ये जानकारी पार्टी मीडिया प्रभारी ने दी। उन्होंने बताया कि प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री विकास योजनाओं का सर्वेक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव का ही परिणाम है कि एक के बाद एक केंद्रीय मंत्री विकास योजनाओं की प्रगति देखने के लिए लगातार दौरा कर रहे हैं। संविधान निर्माता भारत रत्न प्राप्त डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म दिवस समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के प्रदेश भाजपा कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस मौके पर पूर्व विधायक पौड़ी मुकेश कोहली ने बताया कि भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने वंचितों पिछड़ों को समान अवसर दिलाने का काम किया है, जिससे आज समाज में सभी को बराबरी का दर्जा प्राप्त है और सभी समान रूप से देखे जा रहे हैं। वहीं हरदोई के मल्लावा कोतवाली इलाके में प्रेमिका से मिलने गए एक प्रेमी को उसके घर वालों ने पकड़कर कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद प्रेमी ने खुद को फांसी के फंदे पर लटका लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज कराया जा रहा है। मल्लावा कोतवाली क्षेत्र के नया गांव चौराहे पर ड्यूटी पर तैनात यूपी पुलिस को सूचना मिली किसी इलाके के भीमाखेड़ा गाँव में एक युवक ने युवती से छेड़छाड़ की है, जिसके बाद उसके परिजनों ने उसे कमरे में बंद कर दिया। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद कमरा खुलवाया गया तो युवक फांसी के फंदे पर लटका मिला। उसकी सांसें चल रही थी, पुलिस ने उसे फंदे से नीचे उतारा और उसको इलाज के लिए सीएससी मल्लावा में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। साथ ही पुलिस पूरे मामले की छानबीन में भी जुटी हुई है। सूचना हमारे इवेंट पर आई है, गाड़ी नंबर 27 पे 112 डायल पे। तो जैसे सूचना आई मैं वैसे ही तुरंत चल दिया हूँ। मैं यहाँ खड़ा था नया गाँव के पास में। ये गांव भीमाखेड़ा की सूचना थी कि एक लड़का ने लड़की को छेड़छाड़ किया है। उसके माँ बाप ने अंदर उसे कमरे में बंद कर दिया। मैं तुरंत पहुंचा, कमरा खुलाया तो वैसे ही वो लड़का फांसी पे लटका हुआ था। देखा कि उसकी सांस चली, मैं तुरंत उतार के सीधे सीएससी लेके चलाया हूँ। लड़का की तबीयत ठीक है, बोल रहा है, सही है। क्या अभी इलाज जारी है क्या? हाँ, इलाज जारी है।
बुलंदशहर में एसएसपी श्लोक कुमार सिंह और सीएफओ प्रभोज शर्मा ने राष्ट्रीय अवसंरचना के विकास के लिए अग्नि सुरक्षा में जागरूकता अभियान के अंतर्गत अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बुलंदशहर में अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया गया जो 14 अप्रैल से 20 अप्रैल 2023 तक मनाया जाएगा। इसके अंतर्गत अग्निशमन अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा जनता को अग्नि सुरक्षा आग बुझाने के तरीकों से अवगत कराया जाएगा। इस मौके पर प्रतिसार निरीक्षक अजय कुमार श्रीवास्तव और अन्य अधिकारीगण मौके पर मौजूद रहे। रुद्रप्रयाग द्वितीय केदार मद महेश्वर धाम और तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ का पाठ खुलने की तिथि आज बैसाखी पर्व के दिन घोषित कर दी गई है। आज बैसाखी के पर्व पर पूर्व परंपरा अनुसार पंचक केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष पुजारी आचार्यों स्थानीय हक हुकूक धारियों की उपस्थितियों में कपाट खोलने की तिथि निश्चित की गई। 22 मई को द्वितीय केदार मद महेश्वर मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट खोलने की तिथि आज मकरेश्वर मंदिर मकमूठ में वेदी पाठ और हक हुकूक धारियों की उपस्थिति में घोषित कर दी गई है। तृतीय केदार तुंगनाथ धाम के कपाट 26 अप्रैल को सुबह 10:50 पर मिथुन लगन में सभी भक्तों के दर्शनों के लिए आज भगवान तुंगनाथ का कपाट खुलने का दिन तय किया गया है। चमोली जिले में बाम सेफ मूल निवासी संगठन सहित विभिन्न संगठनों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर विभिन्न मार्गों से शोभा यात्रा निकालकर जश्न मनाया। नारायणबगड़ में भी सैकड़ों लोगों ने परखाल तिराहा पर इकट्ठा होकर शोभा यात्रा निकालकर नारेबाजी करते हुए जश्न मनाया है। देवाल ब्लॉक में भी क्षेत्रीय विधायक भोपाल राम टमटा की उपस्थिति में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती यहाँ धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर बामसेफ मूल निवासी संगठन SC ST टीचर्स एसोसिएशन पर्वतीय शिल्पकार संगठन समेत तमाम संगठनों ने शोभा यात्रा निकाली जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा के समापन समारोह में वक्ताओं ने संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर की जीवन यात्रा पर चर्चा करते हुए उन्हें महान दार्शनिक बताया। कहा कि उन्होंने समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए जीवन भर काम किया। इस मौके पर डॉक्टर राकेश रोधियाल संदीप सोनी और तमाम लोग मौके पर मौजूद रहे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।